एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत विराट में हो रहा है जोर शोरों से विकास कार्य। नवीन सरपंच इंदिरा कलासुआ ने पदभार ग्रहण करते ही पंचायत के विकास हेतु नवीन निर्माण कार्य कराया शुरू। उप सरपंच धनेश्वर पाटीदार ने पंचायत में हो रहे नवीन विकास कार्यों से एकता समाचार को अवगत कराते हुए बताया कि नवीन सरपंच इंदिरा कलासुआ एवं वार्ड पंचों द्वारा पंचायत में कई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पंचायत मुख्यालय के पास नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पंचायत के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन स्टेज एवं चाला मैजिक का कार्य करवाया जा रहा है। वहीं कानेला में सीसी सड़क बनवाई जा रही है जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा कानेला के राजकीय विद्यालय में रसोई निर्माण, कमरों में चाइना मैजिक तथा विद्यालय के आसपास सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही पंचायत में मॉडल तालाब के निर्माण का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। तो चलिए जानते हैं वार्ड पंच से ग्राम पंचायत में चल रहे नवीन कार्यों के बारे में विस्तार से। आइए हम आपको ले चलते डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के देवों की नगरी, जहां अंधेरी माता विराजमान है, विराट ग्राम पंचायत में। हम आपको ले चलते हैं। एक तो हम आपको तालाब का निरीक्षण करवाएंगे, जो मॉडल तालाब एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। दूसरा, यहां पंचायत नवीन पंचायत है, नवीन पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और यहां की पूरी बॉडी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। नाली निर्माण जो नवीन हो रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। इस दौरान हमारे साथ में है उप सरपंच साहब। उप सरपंच साहब, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए, आपके यहाँ अभी नवीन पंचायत बनी है, नवीन पंचायत में नवीन सरपंच इंदिरा जी कलासुआ का कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है, और इसी विषय में बताइए आपके यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो एकता समाचार को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी वर्तमान में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और अभी हम खड़े हैं मॉडर्न तालाब जो माँ काली मंदिर के पास में खड़े हैं, और माँ काली मंदिर आज से 5000 पुराना मंदिर ये है, और एक सुंदर मंदिर बनवाया है वर्तमान में, और जो फालो और जो कारीगर के माध्यम से, और ये चमत्कारी मूर्ति भी है, और ये मॉडर्न तालाब जो ठेकेदार ने जो बनाया, हमारे गांव के ठेकेदार है दो, देवीलाल और मगनलाल जी, उन दोनों के अंडर बना हुआ है, और वर्तमान में जो सरपंच साहब हैं, जागरूकता सरपंच साहब कमलेश जी और इंदिरा जी कलासुआ भी, और हम भी जागरूकता है, वार्ड पंच भी जागरूकता जो काम करेंगे, हम मिलजुल के काम करवाएंगे और सब अच्छा काम करेंगे। और जैसे कि ये वर्तमान में जो मंदिर अभी बनवाया, जो नया नींव खोद के अभी बनाई है, पुरानी मूर्ति भी है, जिस दिन हमारा ये तालाब भर जाता था 1992-91 में जिस दिन बाढ़ आई थी, उस दिन तालाब टूट गया, तो माता जी के असीम कृपा से गांव वाले जो हमारे दादा परदादा आए थे और विधिपूर्वक मतलब माता जी की आराधना करके घड़ा और नारियल रखा था, तो मतलब ये इसकी आस्था से तालाब भी बच गया था और अच्छा काम किया। थैंक, धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे सामने है सरपंच पति कमलेश जी। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। एकता समाचार में आपको बोलने के लिए हमें मौका दिया, इनके लिए धन्यवाद। आज ग्राम पंचायत विराट के अंदर एकता समाचार के प्रतिनिधि ने हमारे विराट ग्राम पंचायत में जो कार्य चल रहे हैं इनके लिए भौतिक निरीक्षण किया, और हम ग्राम पंचायत विराट के अंदर नाले निर्माण कार्य चालू है, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय विराट के अंदर स्टेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है, और हमारे पूर्व जो मॉडल तालाब का जो कार्य है उसको सराहनीय है, और इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके लिए मैं जो ठेकेदार हैं उनके धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने सही समय पे कार्य पूरा किया। इसके बीच में उतार चढ़ाव भी हुए, उसका संशोधन करवा के कार्य को पूरक करवा के हमने
आपके मीडिया के द्वारा हम रूबरू करा रहे हैं कि ये कार्य जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और विराट ग्राम पंचायत के अंदर एक सराहनीय कार्य है। इस कार्य को कम समय में पूरा करा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एवं जो हमारे हम जो जहाँ खड़े हैं वहाँ पे महाकाली मंदिर का जीर्णोद्धार भी, प्रांगण भी और चौकी निर्माण भी हमारे यहाँ के ठेकेदारों के द्वारा निर्मित करने का यहाँ पे आश्वासन दिया था और उसको तत्काल प्रभाव से वो कार्य पूरा कराएंगे। महाकाली मंदिर का निर्माण यहाँ के बसे सर्व समाज के सहयोग से यहाँ पे बनाया है और जो काम अधूरे हैं माता जी का वो हम सब मिल करके पूरा कराएंगे। और इन्होंने एक घर घर चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे जिसकी मरम्मत कार्य करवाया है माता जी का काम, इसके लिए मैं ग्राम पंचायत विराट की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिन जिन भमासों ने ये मंदिर में योगदान दिया, समय निकाल के उन साधु भक्तों का मैं तहे दिल से इसी तरह हर मंदिर में सहयोग करें, आगे आए, भमासों की जरूरत है। और विराट एक देवों की नगरी है और हमारे विराट ग्राम पंचायत के अंदर 5 राजस्व गांव हैं। इन 5 राजस्व गांव में हर तरह की योजना क्रियान्वित करेंगे, कोरम मिलके एवं प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा, यहाँ पे राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा एवं गांव के जो नागरिक हैं इनके द्वारा हम जो भी लाभ आएगा सब मिलजुल कर इस कार्य को करवाएंगे। इन्हीं के 2 शब्दों के साथ मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। 5 गांव राजस्व गांव कौन कौन से हैं वो बता दीजिए। ग्राम पंचायत के अंदर 5 राजस्व गांव कानेला, विराट, मटुवेट, रातड़िया, लोडेश्वर। आगे करीब हमारे सामने प्रतिनिधि भाई साहब भी है। भाई साहब बताइए यहाँ कार्य हो रहा है उसके बारे में बताइए। यहाँ कार्य हो रहा है, मैं तो पहले राजू भाई को नमस्कार करता हूँ एकता समाचार, जबकि हमको यहाँ इस जगह ऐसा होगा वो संभव नहीं था, तो आज इस जगह वो संभव है जो नहीं था वो संभव है। तो बस मेरा मानना यह है कि दरबार के टाइम में जो काम इस तालाब का हुआ था, इसके बाद पहली बार ये मॉडर्न तालाब का काम हुआ है और मैं काम भी किया और काम अच्छा भी हुआ। ऐसे ही पंचायतों में काम होंगे तो ही अपने गांव का नाम रोशन होगा, पंचायत का काम नाम रोशन होगा, पंचायत समिति का रोशन होगा। इसी तरह ऐसा काम हम आने वाले समय में भी करेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि मॉडर्न तालाब यहाँ लोग देखने के लिए आएंगे और अच्छा कार्य करेंगे। तो धन्यवाद। आपके सामने है देवोगी नगरी ग्राम पंचायत विराट। अंधेरी माता का मंदिर, इसके सामने स्कूल, राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराट। सर बताइए, एकता समाचार में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी विद्यालय में खूब खूब स्वागत अभिनंदन। सर बताइए, यहाँ पे नवीन सरपंच इंदिरा जी आई है और यहाँ पे जो कार्य हो रहा है आपके स्कूल में भी कार्य हो रहा है, उसके बारे में। सर ये जो नए सरपंच नवनिर्वाचित हुए हैं इंदिरा जी, उनका शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा भाव है। जैसे ही ये निर्वाचित हुए उन्होंने विद्यालय में सामने होकर के पहल करके और ऐसी जानकारी चाहिए कि विद्यालय विकास में ग्राम पंचायत क्या क्या कर सकती है, हमने पूरी योजना बना करके ग्राम पंचायत विराट के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के जो अभाव अभियोग हैं, जो विकास कार्य किए जा सकते हैं, उनकी पूरी सूची बना करके उनको प्रस्तुत की।
और उसमें उन्होंने तत्काल इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने पहल करी और जो हमारे स्थानीय विद्यालय में उन्होंने एक कमरे का चाइना मैजिक का कार्य पूरा करा दिया। अभी एक स्टेज निर्माण जो यहाँ काम चल ही रहा है, वृक्षारोपण करा करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्होंने नरेगा के माध्यम से कराया और अभी हमारे प्रांगण में लगभग 100 वृक्ष उन्होंने लगाए हैं। आने वाले समय में उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि हम टीन शेड का डोम बना करके भी विद्यालय को लाभान्वित करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि नवनिर्वाचित सरपंच महोदया शिक्षा प्रेमी हैं और वो बच्चों के भविष्य को बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। धन्यवाद सर। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं प्रवीण कुमार जोशी, प्रधानाचार्य राव मावी विराट। साहब आगे की कड़ी में हमारे साथ में है उप सरपंच साहब भी है। उप सरपंच साहब बताइए आपके यहाँ क्या क्या कार्य हो रहे हैं अभी नवीन। धन्यवाद एकता समाचार को मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे ये नव भवन जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विराट जो वर्तमान में अभी बनाई है, अभी चालू हुई है, तो ये जो स्टेज बन रहा है जो प्रार्थना स्टेज है और पंचायत द्वारा जो वृक्षारोपण भी हम लोगों ने करवाए हैं और सामने माता जी का आस्था मंदिर भी है जो बच्चे सुबह उठ के मतलब जो आते हैं ये 10वीं 12वीं के छात्र हैं तो दर्शन भी करते ही हूँ और माता जी के और अच्छी चल रही है। हमारे गुरु जी भी मतलब एकदम शिक्षा विभाग से आगे है और हमारे वर्तमान में जो सरपंच साहब इंदिरा जी कलासुआ भी शिक्षा प्रति एकदम अच्छे हैं और यही भावना हम रखते हैं। हम खड़े हैं ग्राम पंचायत विराट जो पंचायत समिति सागवाड़ा में आता है जहाँ मॉडल तालाब का कार्य हो रहा है। नवीन पंचायत है ये, यहाँ पे मॉडल तालाब का कार्य हो रहा है जिसका निरीक्षण करने के लिए ग्राम पंचायत के मेंबर हम बता रहे हैं आपको मॉडल तालाब का नज़ारा जो आपके सामने पेश है। ये नाली है, कुछ प्रतिनिधि हमारे सामने भी है। तालाब धीरे धीरे भर रहा है, ये यहाँ पे आपने जो पानी निकासी के लिए गया इसके बारे में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद कहता हूँ देता हूँ मैं एकता समाचार को। ये तीन जो छेद दिख रहे हैं वे पानी निकास के लिए हैं और उस तरफ भी मतलब हमारे उस कोने में भी हरी है और ये भी हरी है और जो पानी तालाब में बढ़ता है वे पानी निकास के लिए तीन छेद रखे हुए हैं तालाब में। और ये मॉडर्न तालाब का भी काम ध्यानपूर्वक उन लोगों ने जो ठेकेदारों ने अच्छा काम किया है और व्यवस्थित काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोग को। सर पानी निकासी के लिए आपने यहाँ पे किया है? पानी निकासी के लिए जैसे कि बारिश का पानी ओवर फ्लो आएगा तो वो ओवर फ्लो ऊपर से निकल जाएगा। इसके अलावा जब ठंड चने की फसल के समय में जब थोड़ा बहुत पानी रहता है वो तो हमने नीचे यहाँ निकासी से ये तीनों छेद दिख रहे हैं वहाँ से ज़्यादा होगा तो तीनों में कम होगा तो दो में, इससे कम होगा तो एक में, तो वो पानी निकल जाएगा ताकि खेती की भरपूर हम पैदावार ले सकते हैं। पहले क्या है कि यहाँ जो फर्स्ट जो यदि अनाज काटने के लिए यहाँ आते हैं हम हमारे गांव के जो पूर्वज लोग हैं वो तो जैसे कि नारियल और दिया और अगरबत्ती करके फिर वो अनाज काटना चालू करते थे, तभी से आज लोगों में परिवर्तन आ गया है। इसके कारण लोग वो सब परंपराएं भूलने के कारण ये सब परेशानी हो रही है। बहुत इतना समझ को धन्यवाद। ग्राम पंचायत विराट में जोरों से चल रहा है नाली कार्य जो प्रतिनिधि खड़े हुए हमारे ग्राम पंचायत विराट जो देवों की नगरी है कार्य प्रगति पे है। नगर पालिका और नगर परिषद में जो कार्य होता है ऐसा ग्राम पंचायतों में भी हो रहा है। जो विराट पंचायत नई पंचायत है, नई सरपंच है,